हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चेंजेस इन सेक्शन 50C एंड 56-10 के बारे में, जो कि प्रॉपर्टी के सेल परचेज और उनके टैक्स के बारे में बात करता है। 1 अप्रैल 2018 से इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए फेवरेबल हैं। सेक्शन 50C और सेक्शन 50C-10 के तहत पहले ये रूल था कि सेक्शन 50C जो कि प्रोविज़न करता है कि सेल या फिर स्टैम्प ड्यूटी जो भी ज़्यादा होगी वही एक्चुअल सेल कंसिड्रेशन की तरह ट्रीट की जाएगी, चाहे बेचने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत कम ही क्यों ना मिली हो। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने की कंडीशन में जो विक्रेता होता था वो 50C के तहत और क्रेता 56-10 के अंतर्गत टैक्स के लिए पेएबल होता था। तो क्या है ये अमेंडमेंट, जानते हैं इस वीडियो के जरिए से। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक अप्रैल 2018 से पहले जब भी आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदते थे तो आपको टैक्स पे करना होता था। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि आपने प्रॉपर्टी को ख़रीदा या बेचा तो कम कीमत पर होता था, मगर रूल्स के अकॉर्डिंग सर्कल रेट और स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। आयकर में जब भी टैक्स की गणना होती है तो वो खरीदी या बेची गई प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी को भी कैलकुलेट करते हैं। अगर विक्रेता ने अमाउंट, जो भी अमाउंट उसने प्राप्त किया है प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, वो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी जो भी ज़्यादा होगी, चाहे आपका सेल कंसिड्रेशन ज़्यादा हो या फिर स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा हो, जो भी ज़्यादा होती है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी सेल कंसिड्रेशन मानी जाती थी। अगर सेलर ने उस प्रॉपर्टी को बेचा तो कम कीमत पर है और उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स में उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता था। उसी तरह अगर प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू कम है और प्रॉपर्टी ज़्यादा कीमत पर बेची गई है तो मिले हुए अमाउंट को इनकम टैक्स के नज़रिए से सेल कंसिड्रेशन मान लिया जाता था। इस कंडीशन में विक्रेता को सेक्शन 50C के तहत सूचकांक लागत को घटाकर कैपिटल गेंस के ऊपर टैक्स पे करना होता था। पर यह हमेशा ही घाटे का सौदा होता था, क्योंकि विक्रेता को कीमत तो कम मिली पर उन्हें उस पर टैक्स ज़्यादा अमाउंट का देना पड़ता था। क्योंकि यह हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट के किसी एरिया का सर्कल रेट तो ज़्यादा लगा हो पर वहाँ प्रॉपर्टी उस रेट पर ही बिक जाए। कई बार मजबूरी के कारण, कई बार इमरजेंसी के कारण भी प्रॉपर्टी को जल्दबाजी में बेचना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में सही बायर ऑप्शन नहीं मिल पाते तो लोगों को कम कीमत पर वो प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। इस तरह से जिन लोगों ने पहले ही प्रॉपर्टी को कम कीमत पर बेचा है उन्हें ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी होने की वजह से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से विक्रेताओं को गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी राहत दी है, जिसमें कि ये अमेंडमेंट किया गया है कि अगर विक्रेता किसी प्रॉपर्टी को बेचता है और उसे जो भी सेल कंसिड्रेशन मिलता है वो उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत मानी जाएगी। वो उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत से 105% से ज़्यादा नहीं है तो विक्रेता पर आयकर की धारा 50C अप्लाई नहीं होगी। इस रूल के अनुसार अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और बेचने के बाद जो भी अमाउंट आपको मिला वो स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में विक्रेता पूंजीगत लाभ की गणना करते समय सेल कंसिड्रेशन के अमाउंट को उतना ही दिखाया जाएगा जितने में बेची गई थी। अगर कैपिटल गेंस की गणना करते हुए सेल कंसिड्रेशन 105% से ज़्यादा नहीं आएगा तो आप टैक्स भरने से बच जाएंगे। उसी तरह अगर प्रॉपर्टी को स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा अमाउंट पर नहीं बेचा गया है, जो भी उस रेलिया का सर्कल रेट है उसे कम कीमत पर बेचा गया है, उस कंडीशन में भी एक्चुअल कीमत वही जोड़ी जाएगी जिस पर वो प्रॉपर्टी बिकी है। ऐसी कंडीशन में भी कैपिटल गेंस की गणना करते हुए सेल कंसिड्रेशन अगर 105% से ज़्यादा नहीं है तो आप टैक्स भरने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को सर्कल रेट से ज़्यादा कीमत पर बेचा है और कैपिटल गेंस की गणना करते हुए आपका सेल कंसिड्रेशन 105% से ज़्यादा आता है तो आप पर सेक्शन 50C अप्लाई होगा और आपको टैक्स भरना होगा। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स को देते हुए आपको रजिस्टर वैल्यू या फिर स्टैम्प ड्यूटी जो भी ज़्यादा हो ना दिखाकर आपको वो वैल्यू दिखानी होगी जिस पर कि आपने एक्चुअल सेल कंसिड्रेशन मिला था, और अगर वो 105% से ज़्यादा नहीं है तो आप सेक्शन 50C से बच जाएंगे। ये तो थी विक्रेता की बात। इसी तरह से सेक्शन 56-10 क्रेताओं पर अप्लाई होता है।
31 मार्च 2018 तक ये रूल था कि अगर बायर स्टैम्प वैल्यू और परचेज वैल्यू का डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो जितना भी ज़्यादा होता था वो अमाउंट बायर की इनकम मान ली जाती थी और उस पर उसे टैक्स भरना होता था। लेकिन अब न्यू प्रोविज़न के अनुसार जो चेंजेस किए गए हैं, बेचने वाले के लिए स्टैम्प वैल्यू और एक्चुअल कंसिड्रेशन का डिफरेंस 105% से ज़्यादा होगा तो सेक्शन 56(2)(10) उस पर अप्लाई हो जाएगा और उसे उतने ही अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा। इस तरह से सेक्शन 50C विक्रेता के लिए और सेक्शन 56(2)(10) क्रेता के लिए लागू होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2018 से ये जो नए रूल लागू हुए हैं वो बायर और सेलर दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इससे दोनों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सेक्शन 50C और 56(2)(10) के बड़े अमेंडमेंट के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।